सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू संजय सर ओडिया। तो आज आम देखिए भारत और चीन संपर्क जोटा कि हूँ सप्तम अध्याय पॉलिटिकल साइंस CHSC प्लस टू सेकेंड इयर पीमान एवं आम ऑलरेडी आगुरु पार्ट वन एवं पार्ट टू को कंप्लीट कर सारी। जब आपने ये दुईटा जाक पार्ट्र कौन भी गोटे पार्ट मिस करते हैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कंप्लीट CHSC प्लस टू सेकेंड इयर प्लेलिस्ट लिंक मिल जाव पॉलिटिकल साइंस रो। तो आप लिंक रे क्लिक करी कंप्लीट प्लेलिस्ट को अनुसार गोटे गोटे चैप्टर को आप कंप्लीट करेंगे। तो चलतु डेरी नक आम आरंभ करा पूर्व जब आपड़ोटी को लाइक करना निश्चय भाव लाइक करेंगे और आपंक सांग सहित निश्चय भाव सेयार करेंगे। चैनल को फास्ट टाइम थे सब्सक्राइब कर बेल आइकन अन कर ऑल नोटिफिकेशन सेट करदे जहाँ चैनल प्रत्येक भिडियो नोटिफिकेशन आपके सर्वप्रथम पहुंची पार और जब आपको चैप्टर नोट्स दरकार आप टेलीग्राम ग्रुप से जॉइन हो जातु। टेलीग्राम ग्रुप में मुझे चैप्टर कंप्लीट नोट्स प्रोवाइड करदेवी और जब किसी भी असुविधा होने मो सहित कंटाक्ट करेंगे। मो व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल अच्छी। तो देखो भारत एक आंचलिक शक्ति उद्यमान विराट शक्ति और सामूहिक महाशक्ति। भारत क्रमवर्धिष्णु आंतर्जातिक प्रतिपत्ति जगतिक घटनावस्तुर निर्दिष्ट स्थान देती अर्थात भारत पड़ोसी राज्य हो पड़ोसी देश हूँ किए ना चीन। देखो भारत एमती तो कह भारत विभिन्न पड़ोसी देश अच्छी पाकिस्तान होगला चीन होगला मोर बांग्लादेश होगला म्यांमार होगला भूटान होगला कितु भारत सबू देश मान सहित भल संपर्क अच्छी कितु केवल आमर पाकिस्तान सहित एवं आमर चीन सहित ये दुईटा सहित आमर टी संपर्क तिक्त अच्छी ठीक अच्छे। कहीं पाकिस्तान सब आम पचर लगी पाकिस्तान अकबर काश्मीर को एवं आमर जम्मू काश्मीर को हाथेपी जोटा कि आर्टिकल 370 द्वारा आम गवर्नमेंट सेटा को आमर काटिदेगी किंतु परवर्त समय तथापि से लगि रही चीन सब अच्छी भारत रु डाटा नापी अर्थात डाटा कहले भारतीय भारतीय लैक पॉइंट जाणिकी पाकिस्तान को सपोर्ट करने। तो देखा गले पूर्व समय अर्थात पुरातन काल में भारत और चीन संपर्क बहुत ही सुंदर थिला। भारत और चीन संपर्क बहुत ही सुंदर थिला एवं बहुत ही उत्तम थिला। उभय पड़ोसी राष्ट्र भाई भाई पर चलुले कि वर्तमान ये लास्ट 30-40 वर्ष हे ये संपर्क में अनेक समय फाट सृष्टि होती। आप जानते जदि भी भारत चीन संपर्क ख्रीटपूर्व द्वितीय शताब्दी आरंभ होता आधुनिक युगर संपर्क 1949 रु बिगड़ जाए। दुई देश पृथ्वीर सबुठ जनबहुल देश आपड़ जानते आम पपुलेसन चाइना हूँ वर्ल्ड एक नंबर और भारत हूँ दुई नंबर। ये दुईट पृथ्वीर प्राचीनतम सभ्यता अर्थात भारत और चीन में सबुठ ओल्डेस्ट कल्चर आमर देखा मिलता है। एबका समय ये दुई देश को अन्य माने एकविंश शताब्दी उद्यमान शक्ति भाव में अनुभव करते कि वर्तमान भारत और चीन को देखिले जेकोसी राष्ट्र डरी जाती। प्रारंभिक समय भारत हूँ प्रथम राष्ट्र जे कि कम्युनिस्ट चीन को एक राष्ट्रवादी मान्यता देता मिलित जातिसंघर पूर्ण सदस्य देवे समर्थन करता। पुराण समय कौन होता ना भारत चीन को समर्थन करता मिलित जातिसंघ में प्रवेश करने कि वर्तमान से ही चीन पाकिस्तान को सपोर्ट कर मिलित जातिसंघ बाहर करने को चेष्टा कर भारत को। तो देखूँ केमती भी निज लोक केमती पर हो जाती तो आपने निज लोक कहींपर जे निज जो मैंने आपण मैंने दिन जहाँ साय करते जितेबाला से आज बड़ हो जाए आपण को धोखा दे चीन सह बंधुत्वपूर्ण संपर्क नेहरू को समय आरंभ होता आंतर्जातिक परिस्थिति स्थिति सचेतनता होता से भावुले भारत चीन सहयोग एशिया को बाह्य हस्तक्षेप रक्षा कर पुणे भारत ताइवान उपरे चीन कर्तृत्व को समर्थन कर एक चीन संपर्क में जापानी सह संधि पक्ष होता और मना कर अर्थात सॉरी भारत चीन मध्य संपर्क को ताइवान सपोर्ट करता कि चीन परवर्त समय मना कर। तो देखो भारत और चीन मध्य जो कनफ्लिक्ट बिवाद लगि रही है तिब्बत समस्या को नहीं। ब्रिटिश उपनिवेशवाद समय तिब्बत हिमालय उत्तर में अवस्थित एक स्वाधीन राष्ट्र था किंतु चीन कुबाखा गाँव आक्रमण पर आधिपत्य दाबी करुच्छे। नेहरू ठूँ चीन नीति तार प्रथम झटका 1950 जितेबाला चीन तिब्बत को आक्रमण और दखल कला भारत शांतिपूर्ण उपाय समाधान प्रस्ताव को कम्युनिस्ट चीन निज आभ्यंतरण मामले में हस्तक्षेप बोली विवेचना करता। जितेबाला तिब्बत भाई गोटे छोट राष्ट्र को कौन करा चीन आक्रमण कर निज राष्ट्र में मिसेवा चेषा करता से भारत भाई एक कम्युनिस्ट राष्ट्र कौन करा रोकवाक चेषा करता कि समय कौन होता ना चीन
कहीला जे भारत मो कौन ना मो उन्नति को देखी पारुनी कहीकि आमर मिलित जातिसंघरे ता ना रे कॉन्फ्लिक्ट जारी करथिला। तो देखंतु केमती भाव में समस्या रही भारत एवं चीन रो आपण माने कहि पारंती। तो तापर जदि आपण देखिबे तापर चीन तिब्बत को तार अविच्छेद्य अंग भाव में विवेचना करथिला एवं तिब्बत और चीन संपर्क दिनक दिन विवादीय होबार लागिला बोली कहि जायछि। तापर जदि आपण देखिबे कोरिया शांति चुक्ति देखंतु कोरिया युद्ध शीतल युद्धर बोध हुए सबुठ विपदपूर्ण सैन्यचालना थी जहाँ आदर्शवाद बिवाद और भू राजनीति द्वारा प्रोत्साहित होता। 25 जून 1950 मसीह उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया को आक्रमण करता जो थे मिलित जातिसंघर पताका तले युक्तराष्ट्र आमेरिका युद्ध को अविलम्बे लंफ प्रदान कर कोरिया उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया युद्ध भितर चीन और भारत हस्तक्षेप द्वारा चीन और भारत संपर्क दिनकू दिन तिक्त हो जाता और 1962 रे चीन भारत उपर युद्ध कर ठीक अच्छे युद्धर परिणाम सब्यस्त कर देश भितर और बाहर नेहरूंकर व्यक्तित्व मर्यादा को शक्त आघात लगी सामरिक अपेक्षा भारत राजनीतिक क्षति अधिक होता। प्रकृत युद्ध हारिबार राजनैतिक परिणाम दुर्भाग्यजनक किंतु विदेश नीति तुलाइबार नेहरू राजनीतिक असामर्थ्यता एवं राष्ट्र को सुरक्षा देवे अक्षमता समालोचना कर समय कौन होता ना भारत को समस्त भावुले भारत हूँ गोटे शक्तिशाली राष्ट्र किंतु से समय कौन होता ना चीन भारत को उपरे जाणीशु आक्रमण कराद्वारा कि भारत कौन करना डरीज चीन को। तो ये समय रे कौन होता ना भारत और चीन संपर्क को लेकिन अनेक कॉन्फ्लिक्ट होता और अनेक कंट्रोवर्सी से समय होता एवं तापर जब आप देखिए भारत गोष्ठी निरपेक्ष नीति को एक शक्त धक्का लगला कारण नेहरू का व्यक्तिगत भाव में युक्तराष्ट्र आमेरिका साहय देवाप अनुरोध कर एक्चुअली टे थंडा जाए ना से तो शेष कौन होता ना भारत 80 किलोमीटर अंचल चीन कब्जागत होता एवं ये आपण मैंने रिड करदे कि फैक्ट्स दे सॉरी तो एमती भाव में भारत और चीन संपर्क कौन होना दिनकू दिन तिक्त होबार लगी वर्तमान समय में भारत और चीन संपर्क को लेकिन अनेक गुड़ाए बिवाद देखा जाकि वर्तमान न्यूज रे देखा पाइपे। तो देखिए आम देखा भारत और पाकिस्तान मध्य संपर्क केमती अच्छी जेहेतु पाकिस्तान आमर एक पड़ोसी राष्ट्र ता सहित आम के संपर्क अच्छी देखूँ भारत और पाकिस्तान दक्षिण एशियार दुईट बृहत्तम राष्ट्र उभय देश में 1947 स्वाधीनता पर ठार् दुईकर संपर्क निरंतर परिवर्तन हो बहु दशंधि धरी चली सशस्त्र लड़ाई द्विपाक्षिक कथबार्ता और अछिंदु अविश्वास भारत पाकिस्तान संबंध में विशेष प्रतिबंधक भाव में परिगणित होद्यपि से भाषा संस्कृति भौगोलिक गठन और आर्थिक संपर्क सामान से संबंध संघर्ष और सन्देह जो उद्वेगपूर्ण हो उभय भारत और पाकिस्तान निज बिवाद विषय में भिन्न भिन्न मत पोषण करती। पाकिस्तान मतरे काश्मीर हूँ मुख्य समस्या भारत पर मुख्य समस्या हूँ सीमापार आतंकवाद। देखो पाकिस्तान कौन कर सब आतंकवादी को ही सपोर्ट कर देखो पाकिस्तान अर्थ यह नुहे पाकिस्तान समस्त आतंकवादी यार अर्थ हो पाकिस्तान मोस्टली आतंकवादी को प्रोत्साहित करें पाकिस्तान से आतंकवादी होगा बहुत सहज आप कौन से गोटे नर्माल लोक को भी देखिले से आतंकवादी हो जाऊँगी किसी दिन तल जो आम इज्राइल और पैलेस्टाइन भितर जो कन्फ्लिक्ट होता से पाकिस्तान बहुत गुटा हस्तक्षेप कर इज्राइल को पाकिस्तान भितरिया सपोर्ट कर देखु काश्मीर उपर पाकिस्तान मत देखु आम जमी पूर्वर कही पीओके पाकिस्तान अकुपाइड काश्मीर को अलरेडी से हाथी सारी तो एमती भाव में काश्मीर को उपर आम पाकिस्तान सब बेले आखि रही है कमी काश्मीर को निजर करज मानचित्र केमी मुझे काश्मीर को एक स्थान दे पारि तपर देखो बांग्लादेश सहित युद्ध होता 1971 मसीह से भारत और पाकिस्तान सहित अनेक गुड़े बिवाद देखा जाता। तापर ये किसी आपण चैप्टर इम्पोर्टेंट ना देखिले सारा उपभोग्य आंदोलन ये आपंकर एग्जाम इम्पोर्टेंट पचार
ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ସୂଚନା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ି ଦେଉଛି, ଆପଣମାନେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦେଶ ତୁଳନାରେ ଆମର ବୈଦେଶିକ ନୀତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉଦାର। ଅର୍ଥାତ୍ ଭାରତ ସବୁବେଳେ ଚାହେଁ ଯେ ବୈଦେଶିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଉତ୍ତମ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରି ଏକ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ସହବାସନ କରିବ। କିନ୍ତୁ ଭାରତରେ କିଛି ଏମିତି ବୈଦେଶିକ ରାଷ୍ଟ୍ର ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ଭାରତକୁ କେବେ ବି ଶାନ୍ତିରେ ରହିବାକୁ ଦିଅନ୍ତିନି, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଏବଂ ନିରପେକ୍ଷ। ଏହା ବିଶ୍ୱ ସମୁଦାୟ କୌଣସି ମେଣ୍ଟ ସହିତ ସାମିଲ ନୁହେଁ। ବିଶ୍ୱଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ସହ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବନ୍ଧୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ସହବାସ୍ଥାନ, ଉପନିବେଶବାଦ ବା ସାମ୍ରାଜ୍ୟବାଦର ବିଲୋପ ସାଧନ, ସମସ୍ତ ବିବାଦଗୁଡ଼ିକର ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ସମାଧାନ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ପ୍ରଗତି ହିଁ ଆମର ବୈଦେଶିକ ନୀତିର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ। ନେହେରୁ ହିଁ ଗୋଷ୍ଠୀ ନିରପେକ୍ଷ ଆନ୍ଦୋଳନର ସ୍ରଷ୍ଟା। ଏହା ମଧ୍ୟ ଆମ ବୈଦେଶିକ ନୀତିର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ସ୍ୱାଧୀନ ମତ ପୋଷଣ କରି ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ଏବଂ ଗଠନମୂଳକ ନୀତି ପ୍ରଣୟନ କରିବା ଏବଂ କୌଣସି ସାମରିକ ମେଣ୍ଟର କରଗତ ନ ହେବା ହିଁ ଭାରତର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ପରିବର୍ତ୍ତିତ ବିଶ୍ୱରେ ପରିଚାଳିତ ରାଜନୀତି, ଅର୍ଥନୀତି, ବିଜ୍ଞାନ ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ଭିତରେ ଅଗ୍ରଗତିରେ ଅନ୍ୟ ଦେଶ ସହ ସହଯୋଗ ରଖି ଗବେଷଣା ଚାଲୁ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କକୁ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ଭାରତ ସବୁବେଳେ ଚାହିଁଥାଏ। ନେହେରୁଙ୍କ ପ୍ରବର୍ତ୍ତିତ ପଞ୍ଚଶୀଳର ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତା ଏବେ ବି ରହିଛି। ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଶ ଭାରତ ଓ ତା'ର ସମସ୍ତ ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ ସହ ସର୍ବଦା ସୁସମ୍ପର୍କ ଚାହେଁ। ମାତ୍ର ଦେଶର ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ ଓ ଅଖଣ୍ଡତା ଉପରେ ଆଞ୍ଚ ଆସିଲେ ଅଥଚ ବିପଦ ଆସିଲେ ଭାରତ କେବେ ବି ପଛକୁ ଫେରେ ନାହିଁ। ଚୀନ ସହିତ ଆମର ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ? ଦେଖନ୍ତୁ, ସ୍ୱଳ୍ପ ଦିନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଭାରତ ଓ ଚୀନ ସମ୍ପର୍କରେ ଉତ୍ଥାନ ଓ ପତନ ଦେଖାଯାଇଛି। କିଛିଟା ଭଲ ଦିନ ସହିତ ବହୁ ଖରାପ ସମୟ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି। ଚୀନ ସହ ବନ୍ଧୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ପର୍କକୁ ଆରମ୍ଭ ଆମର ହୋଇଯାଇଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଦୁଇ ରାଷ୍ଟ୍ର ନେତା ପଞ୍ଚଶୀଳ ନୀତିକୁ ପ୍ରତିପାଦିତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପରସ୍ପରକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୁଝାମଣା ଓ ସର୍ତ୍ତ ଭିତ୍ତିରେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। 1950 ଦଶକରେ ଶେଷ ଭାଗରେ ହିନ୍ଦୀ ଚୀନ ଭାଇ ଭାଇ ସନ୍ଦେଶଟି ବେଶ ଆକର୍ଷଣୀୟ ହୋଇଥିଲା। ସମ୍ପର୍କରେ ତିକ୍ତତା ତିବ୍ବତ ବିବାଦରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଚୀନ ତିବ୍ବତକୁ ତାର ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ଅଙ୍ଗ ଭାବରେ ଘୋଷଣା କଲା। ତିବ୍ବତର ଧାର୍ମିକ ରାଜନୈତିକ ମୁଖ୍ୟ ଦଇଲାମାନେ ଭାରତକୁ ପଳାୟନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏଠାରେ ରାଜନୈତିକ ଶରଣ ନେଇଥିଲେ। ଏହା ଚୀନ ପାଇଁ ଅପମାନଜନକ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଘଟଣା ଭାରତ ଓ ଚୀନ ସମ୍ପର୍କକୁ ଛିନ୍ନ କରିବା ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନେଇଯାଇଥିଲା। କୋରିଆ ସଙ୍କଟ ମଧ୍ୟସ୍ଥି ହିସାବରେ ଭାରତର ଭୂମିକାକୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ଧ୍ୟାନାକର୍ଷଣ କରାଇଥିଲା, ଯାହା ଚୀନର ଗାତ୍ରତାର କାରଣ ହୋଇଥିଲା। ସୀମାରେଖା ବିବାଦ ଏବଂ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୁଦ୍ଧରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲା। 1962 20 ଅକ୍ଟୋବର 21 ନଭେମ୍ବରରେ ଏହା ଚାଲିଥିଲା। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, କ୍ରମବର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଣୁ ଆର୍ଥିକ ଓ ସାମରିକ ସମ୍ବନ୍ଧ ସତ୍ତ୍ୱେ ଭାରତ ଓ ଚୀନ ସମ୍ପର୍କରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ବାଧା ଦୂର କରିବାକୁ ବାକି ରହିଛି। ଭାରତ ଓ ଚୀନ ସମ୍ପର୍କ ଏକ ଚାରିଛକିରେ ଝୁଲି ରହିଛି। ଏହା କେଉଁ ଦିଗକୁ ଯିବ ତାହା ଉଭୟ ଦେଶର ପରସ୍ପର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା ଏବଂ ଚାହିଁ ରହିଥିବା ଏବଂ ବାକି ରହିଥିବା ବିବାଦ ଶ୍ରୀଘାତୀଘାତୀ ସମାଧାନର ସମାଧାନ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ସମ୍ପର୍କ। ପାକିସ୍ତାନ ମତରେ କାଶ୍ମୀର ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା। ଭାରତ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ସୀମାପାର ଆତଙ୍କବାଦ, ଯାହା ପାକିସ୍ତାନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଜିତ ହେଉଛି। ମୁଖ୍ୟ ବିବାଦ ହେଉଛି ଭାରତ ଓ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ କାଶ୍ମୀରକୁ ନେଇକି ବାଂଲାଦେଶ ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା 1971। ସିଆଚୀନ ହିମବାଦ ବିବାଦ, ତିବ୍ବତ ଉଲ୍ଲାର ବିବାଦ, ସାର ଉପତ୍ୟକା ସମସ୍ୟା, ଅସ୍ତ୍ର ପ୍ରତିଯୋଗିତା, ଆତଙ୍କବାଦ ଓ ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ କାରଣ। ତ ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଏଇ କ୍ଲାସ୍ଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିବ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଥିଲେ ନିହାତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଏବଂ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଚାପ୍ଟର ନୋଟ୍ସ ଦରକାର ଆମ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଜଏନ୍ ନିଅନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ସବୁ ନୋଟ୍ସ ପାଇପାରିବେ। ତ ଦେଖା ହେବ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ଧନ୍ୟବାଦ।